हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ज्ञानाश्रम। और आज की क्लास में हम लोग जो है कि प्रबंध पेशे के रूप में प्रबंध को कैसे समझते हैं, ये हम आज की क्लास में समझेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोग प्रबंध एक पेशा है ऐसे करके उसकी विशेषता या प्रकृति वाला कोई हेडिंग था, उसमें मैंने आपको समझाया था कि प्रबंध एक पेशा है क्योंकि पेशे के कुछ लक्षण उसमें हैं, है ना। वहाँ पे मैंने बताया था कि इसकी बकायदा जो है कि ट्रेनिंग ली जाती है, इसका शिक्षण प्रशिक्षण इसका होता है और उसके बदले डिग्री मिलता है। तो एक तरह से ये पेशा है और इसके ज़रिए जो है कि कमाते भी हैं, इसके बाद इस काम के बदले पैसा मिलता है, सैलरी मिलता है, तो ये हमारा क्या है, पेशा भी है प्रबंध। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम उस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा डीपली पूरा समझने वाले हैं। ठीक है, हेडिंग क्या है हमारा, प्रबंध एक पेशे के रूप में। ठीक है, यहाँ हम सारी चीज़ें जानेंगे कि पेशा का कौन कौन लक्षण प्रबंध में है और कौन कौन सा नहीं है। ठीक है, इसलिए इसे पूर्ण रूप से पेशा नहीं कहते क्योंकि कुछ ऐसे लक्षण हैं जो प्रबंध में नहीं है। अब हम यहाँ समझते हैं इसको देख करके। प्राचीन समय में, यहाँ पे पुराने समय की बात की जा रही है, यह मान्यता थी कि प्रबंध एक जन्मजात प्रतिभा है। देखिए, विशेषता वाले हेडिंग में भी ये पॉइंट हमारा था कि प्रबंध क्या है, एक जन्मजात प्रतिभा है। वहाँ पर हमने आपको समझाया था कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ लोगों के बचपन से ही क्वालिटी दिखता है हर चीज़ मैनेज करके चलने का, है ना। इससे पहले वाले वीडियो मैंने अच्छे समझाया बात, यही बात यहाँ कहा जा रहा है कि पहले के टाइम में लोग सोचते थे कि जो बहुत अच्छा मैनेजमेंट कर रहा है वो उसका अपना गुण है, है ना, वो उसके अंदर जन्मजात जो है कि क्वालिटी आ गया है। लेकिन अब क्या हुआ है, किंतु प्रबंध की क्रांति के बाद, कहने का मतलब जब व्यवसाय बहुत बड़ा है, बहुत अच्छे से मैनेजमेंट का विस्तार हुआ है, तो उसके बाद क्या हुआ, लोगों ने यह जान लिया, है ना, यानी उसके बाद लोगों ने कहा कि प्रबंध क्या है, शिक्षण और प्रशिक्षण के द्वारा बनाए जाते हैं, है ना, यानी कि मैनेजमेंट का पढ़ाई किया जाता है, इसकी ट्रेनिंग ली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर बताया क्या गया था कि पहले लोग सोचते थे कि ये एक जन्मजात प्रतिभा है, मतलब ये इंसान के अंदर खुद ही गुण होता है चीज़ों को मैनेज करने का, सोचने का, समझने का, किस चीज़ को कौन ज़्यादा अच्छे से करता है। लेकिन बाद में जब लोग समझे, बिजनेस का विस्तार हुआ, प्रबंध का विस्तार हुआ, बहुत ज़्यादा ये सारी चीज़ें यूज़ में आने लगी, तो लोगों ने समझा कि ये क्या है, ये तो इसकी पढ़ाई होती है, ये शिक्षा प्रशिक्षा लेने के बाद ही जो है कि क्या होता है, मैनेजमेंट आता है। तो इसलिए यहाँ पर कहा कि प्रबंध क्या है, शिक्षण व प्रशिक्षण, यानी कि उसका सीखना, उसकी पढ़ाई करना और उसकी ट्रेनिंग लेना, इन सब के द्वारा जो है कि प्रबंध बना जाता है, प्रबंधक बना जाता है। इस वजह से प्रबंध को पेशा माना गया। क्यों? क्योंकि पेशा का ये क्वालिटी है, पेशा का जो विशेषता है वो यही है कि उसकी ट्रेनिंग ली जाती है, उसकी पढ़ाई की जाती है, अलग से उसकी उसका कोर्स किया जाता है। ठीक है, अच्छा, इसलिए इसको पेशा माना गया। प्रबंध के अंतर्गत पेशा की संपूर्ण विशेषता न होने के कारण, अब देखिए यहाँ आगे बताया गया, क्योंकि बहुत डिस्क्रिप्टिव हम नहीं समझाते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता होना चाहिए वही चीज़ें हैं यहाँ हम लिखे हुए फॉर्म में देते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव तो बुक में सब कुछ लिखा ही है। ठीक है, लेकिन उसका जो एक निचोड़ कहते हैं, जो आपके दिमाग में होना चाहिए, जिसको देखते ही आपको याद हो जाएगा, अलग से याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वैसा टाइप का नोट्स हम यहाँ पर बनाते हैं, बिल्कुल छांट कर समझ लीजिए। ठीक है, तो यहाँ क्या है, प्रबंध के अंतर्गत क्या है, पेशा की संपूर्ण विशेषता नहीं है। क्या चीज़ नहीं है वो भी आपको आगे देखने को मिलेगा। संपूर्ण विशेषता न होने के कारण इसे पूर्ण रूप से पेशा नहीं माना जाता है, है ना। ये पेशा है, ठीक है, इसके आपने विशेषता में पढ़ा था, लेकिन पूर्ण रूप से ये पेशा नहीं है, वो भी यहाँ पर आगे आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, अब पेशा क्या होता है, हालांकि हमने आपको पहले बता दिया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर पढ़ लेते हैं। पेशा क्या है, तो विशिष्ट ज्ञान, योग्यता एवं प्रशिक्षण के आधार पर। ठीक है, यानी जब किसी को बहुत अच्छा स्किल हो जाए कोई काम करने का, या वो बहुत योग्य हो जाए, बहुत नॉलेजेबल हो जाए उस फील्ड में, ठीक है, या फिर उसने उसकी बहुत अच्छी ट्रेनिंग ली हो, ठीक है, तो विशिष्ट ज्ञान, योग्यता एवं प्रशिक्षण के आधार पर जो सेवाएं दी जाती हैं, जो काम किया जाता है, उन्हें पेशा कहते हैं। पेशा क्या है, जो इंसान अपने बेस्ट नॉलेज, स्पेसिफिक नॉलेज कह सकते हैं, विशिष्ट ज्ञान, स्पेसिफिक नॉलेज, और अपने स्किल के आधार पर, अपनी ट्रेनिंग के आधार पर जो है कि करता है, उसे हम क्या कहते हैं, पेशा कहते हैं। ठीक, और यही लक्षण जो है कि प्रबंध में है, ठीक है, इसलिए इसको पेशा भी कहा जाता है, लेकिन पूरा लक्षण नहीं है पेशा का, इसलिए इसे पूर्ण रूपेण पेशा नहीं कहा जाता। अब यहाँ हम देखते हैं कि पेशा का लक्षण होता क्या क्या है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि पेशा का लक्षण क्या क्या होता है। पहला पॉइंट यहाँ पर हमारा क्या है, विशिष्ट ज्ञान। ठीक, हमने आपको पहले क्या बताया कि पेशेवर वही व्यक्ति होगा जिसके पास उस चीज़ का, चाहे वो जिस भी चीज़, जिस भी क्षेत्र में हो, उसका उसको विशिष्ट ज्ञान होगा, पूरा नॉलेज,
है ना। जैसे कोई भी चीज़ होता है तो उसका स्पेशली व्यक्ति आता है, जैसे अगर यहाँ प्रबंध की ही बात करें तो जिसने मैनेजमेंट की पढ़ाई करी है वो मैनेजमेंट संभालता है ना। अभी प्रेजेंट टाइम में अधिकतर ऐसा होता है, वैसे कहीं कहीं बिना डिग्री वाला भी हो जाता है। खैर आगे हम डिटेल में बताएंगे वो चीज़। तो इसका पहला लक्षण पेशा का क्या है? पेशा का सबसे पहला लक्षण है कि इसमें विशिष्ट ज्ञान होना चाहिए, स्पेशल नॉलेज होना चाहिए, यानी आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं उसका आपको पूरी जानकारी उसकी होनी चाहिए, यानी आपने बहुत बेहतरीन तरीके से उसकी पढ़ाई की हो। ऐसा जैसे जो डॉक्टर बनता है तो MBBS करते हैं, है ना, मैनेजमेंट के लिए MBA करते हैं, तो उस तरीके से। अब ये सब करके क्या होता है, आप उस फील्ड का एक विस्तृत रूप से ज्ञान ले लेते हैं, है ना, तो उसका एक अलग से आपको विशिष्ट ज्ञान हो जाता है। कौशल की बात करते हो, यहाँ स्किल की बात है। स्किल कैसे आता है, उस काम को करते करते जब एक्सपीरियंस हो जाता है वो इंसान, तो वो स्किल उसके अंदर आ जाता है कि वो उस काम को बहुत अच्छे से करता है। ऐसा नहीं कि आप केवल पढ़ लिए, ठीक है, आपके पास नॉलेज हो गया तो आप बहुत अच्छे पेशेवर हो जाएंगे, नहीं, वहाँ पर फिर एक्सपीरियंस की बात भी आती है कि किसने कितने साल उस काम को किया है, और उससे ही धीरे 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 इंसान का स्किल डेवलप होता है। जैसे हम अगर बहुत स्टार्टिंग में पढ़ा रहे होंगे तो उतना बेहतर नहीं पढ़ा रहे होंगे, बहुत सारी कमियाँ होंगी, लेकिन टाइम टू टाइम धीरे धीरे समय बदलता गया, थोड़ा थोड़ा सुधार होता गया और आगे और सुधार होगा, ठीक है। तो यहाँ पर विशिष्ट ज्ञान और कौशल की बात की गई। सबसे पहला लक्षण पेशा का क्या है, विशिष्ट ज्ञान होना, उस चीज़ की पूरी जानकारी होना, और कौशल यानी अच्छा एक्सपीरियंस होना, ठीक है। अब अगला जो हमारा पेशे का लक्षण है वो है पेशेवर संघों की उपस्थिति, ठीक है। पेशेवर संघों की उपस्थिति मतलब जो जिस फील्ड का पेशा है उसका अपना अलग से एक इंस्टीट्यूट होना जहाँ से उसकी डिग्रीज बनती हैं। जैसे कि अगर कोई CA है तो CA की जो डिग्री मिलती है वो कहाँ से मिलती है, ICAI से, यानी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। अगर कोई CS है, कंपनी सेक्रेटरी है, वहाँ की डिग्री कहाँ से मिलेगी, ICSI, है ना, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, यहाँ पे आई होगा, ठीक है। अब इसके बाद ऐसे ही जो वकील हैं उनके लिए क्या होगा, बार काउंसिल होगा, और बाकी अलग अलग फील्ड का अलग अलग अपना अपना इंस्टीट्यूशन होगा जहां से उसका जो डिग्री है वो बनता होगा, ठीक। तो वो यहां पर पेशे के लक्षण में आता है कि यानी पेशेवर वो है जिसके पास ये डिग्रीज होती हैं, यहां इन इंस्टीट्यूशन से आई हुई मिली हुई, ठीक है। अगला पॉइंट यहां पर हम लोग देखते हैं सामाजिक दायित्व। सामाजिक दायित्व का मतलब क्या, यहां पर समाज के प्रति जिम्मेदारी की बात की जा रही है, यानी जो व्यक्ति पेशेवर होगा, जो पेशा कर रहा होगा, उसकी समाज के प्रति कुछ दायित्व होगी, कुछ जिम्मेदारियाँ होंगी, यानी कि उसको उस दायरे में रहकर ही करना होगा, ठीक है। जैसे कि वो अपने पोस्ट का कोई गलत इस्तेमाल नहीं करेगा, है ना, अपने पोस्ट की वजह से किसी का शोषण नहीं करेगा, या फिर वो ऐसी जानकारियां बाहर नहीं फैलाएगा जो उसको पता है, ठीक है, अपने जहां भी काम कर रहा है उसके बारे में, या फिर वो ऐसा कोई भी काम नहीं करेगा जिससे समाज को हानि पहुंचेगा। यही है यहां पर सामाजिक दायित्व में, कि आपका जो भी पोस्ट है, जो भी अहदा है उसके लिए आप समाज के हित का कार्य करेंगे, उससे कोई गलत काम नहीं करेंगे। ये भी पेशे का एक लक्षण है कि आपको सामाजिक दायित्व का पूरा पालन करना है, समाज के प्रति पूरा क्या रहना है, लॉयल रहना है, पूरे ईमानदारी से काम करना है, व्यक्तिगत हित को इग्नोर करके, ठीक है। बहुत जगह आप लोग ऐसा देखे होंगे, जैसे वकालत में भी होता है कहीं कहीं, किसी किसी सरकारी दूसरे कामों में, कि इंसान व्यक्तिगत हित के चक्कर में, पैसे के लालच में गलत काम करता है या न्याय नहीं करता है, ठीक। तो यही चीज़ यहाँ पर पेशा में बताया जाता है, पेशे के लक्षण में, कि आपके समाज के प्रति यही दायित्व है कि अगर आप उस पोस्ट पे हैं, और आप उस पोस्ट पे क्यों हैं, क्योंकि आप जनता के हित के लिए रखे गए हैं वहाँ पे, तो आपको उसका गलत इस्तेमाल नहीं करना है, अपना व्यक्तिगत हित छोड़ के, अपना लालच छोड़ के पूरी ईमानदारी से आपको वहाँ पर काम करना है। यही यहाँ पर पेशे का तीसरा लक्षण है, सामाजिक दायित्व को पूरा करना। अब अगला पॉइंट है आचार संहिता। आचार संहिता की बात करें तो इसके अंतर्गत सबसे पहले तो नॉर्मली आप ये समझ लीजिए कि जैसे डॉक्टर को देखते हैं व्हाइट कोट पहनते हैं, है ना, और जो वकील होते हैं उनका ब्लैक कलर का पूरा रहता है कपड़ा। ऐसे ही आप बहुत सारा ऐसा दूसरा पेशा देखेंगे जिसका अपना अलग अलग यूनिफॉर्म बना हुआ है। ये सब किस में है, आचार संहिता में है, ठीक है, कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं इसको। और आचार संहिता में क्या आएगा कि आप जिस जगह काम कर रहे हैं उसकी जो भी जानकारी आपके पास है, यानी आप सीधा सीधा समझ लीजिए कि आचार संहिता में कैसे आचरण करना है, कैसे वहाँ पर काम करना है, ये सारी बातें उसमें होती हैं, और उसको फॉलो करना होता है किसी भी पेशेवर को। जैसे यहाँ पर मैंने आपको एक यूनिफॉर्म वाली बात बता दी। दूसरा बात कि अगर आप जहाँ पर काम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है वहाँ की सारी खुफिया जानकारियाँ सारे आपके पास होंगे, है ना, तो उसको आप कहीं बाहर लीक नहीं करेंगे, यानी गोपनीयता पूरी बनाए रखेंगे, ठीक। ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, आचार संहिता में आती हैं, क्लियर है। अब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रतिबंधित प्रवेश पे। प्रतिबंधित प्रवेश मतलब क्या, प्रतिबंधित प्रवेश की बात करें तो यहाँ पर प्रतिबंध मतलब आप क्या समझते हैं, रोक टोक, मना करना, है ना। तो
कुछ ऐसे चीज़ें हैं, जैसे डॉक्टर जो MBBS कर लेता है वही डॉक्टर बनता है, अगर एक प्रोफेशनल डॉक्टर की बात करें तो उसी तरह से अभी भी प्रेजेंट टाइम में बहुत जगह ऐसा हो गया, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी व्यवसाय में जो प्रबंधक होगा, जो मैनेजर होगा, उसके पास MBA की डिग्री होनी ही चाहिए। लेकिन अभी पूरे तरीके से प्रबंध में ये बात नहीं आया है कि अगर MBA का डिग्री नहीं रहेगा तो वो मैनेजमेंट नहीं करेगा हमारे यहाँ। लेकिन हाँ, यहाँ पेशे का लक्षण चूँकि हम पढ़ रहे हैं, तो पेशे के लक्षण में ये बात है कि अगर किसी व्यक्ति के पास अपना जिस फील्ड में वो है उसका डिग्री नहीं है, है ना, तो वो पेशेवर नहीं बन सकता है। ठीक है, जैसे वकील के पास वकालत की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, जो मतलब मैनेजमेंट वाली बात है तो उसका MBA का डिग्री होना चाहिए, अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेगा तो यहाँ का डिग्री उसके पास होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पर प्रतिबंधित प्रवेश वाला जो लक्षण है ये किसके लिए है, पेशा के लिए है, कि पेशेवर वही होगा जिसके पास क्या होगा, बिना डिग्री के उसको जो है कि एंट्री नहीं मिलेगी। लेकिन ये वाला लक्षण हमारा प्रबंध फॉलो अभी नहीं करता है, रूल में ऐसा नहीं है, हालांकि आगे आने वाले टाइम में हो सकता है इसको कन्फर्म कर दिया जाए, लेकिन अभी रूल में ऐसा कुछ नहीं है कि अगर डिग्री नहीं रहेगा आपके पास तो आप मैनेजमेंट नहीं कर सकते। इस वजह से जो प्रबंध है हमारा वो पूरी तरीके से पेशा नहीं है, बल्कि पेशे के कुछ लक्षण उसमें है, इसलिए उसको पेशा कहा जाता है, पूर्ण रूपेण पेशा नहीं है। यहां पर ये लाइन था हमारा कि इसे पूर्ण रूपेण पेशा नहीं कहते हैं क्योंकि ये संपूर्ण विशेषताओं को फॉलो नहीं करता है। समझ में आया सभी लोगों को? फटाफट बताइए, सारे लोगों को समझ में आ गया? तो उम्मीद है सबको समझ में आ भी गया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, बाय।